हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण और परिस्थिति से संबंधित जो हमारा टॉपिक चल रहा है जियोम। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इसका वन देखा था और ये हमारा पार्ट टू है। पहले आप पार्ट वन को नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको उससे संबंधित यानी कि जियोम बायोम से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में आपके साथ वो 24 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ जो इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने बात किया था राष्ट्रीय वन नीति जो था 2019 से संबंधित। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो के लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दिया है, ताकि ये जो टॉपिक है ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पर रोकिए और आप उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चंस का क्या राइट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है लगभग कितना है, तो बिल्कुल सही है 21.67। ठीक है, 21.67% क्षेत्र वन के रूप में। देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 24.56%। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वन एंड टू दोनों सही है, ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि कुंज वन जिसको चपरेल कहा जाता है कहाँ वितरित होते हैं। और मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट था उसमें भी आपको ये बताया था, लेकिन उस वहाँ पे मैंने डायरेक्ट देखा था चपरेल जो घास है या फिर झाड़ियाँ इसको कहते हैं, चपरेल झाड़ियाँ कहाँ वितरित होती है, जिसको हिंदी में देखिए कुंज वन कहा जाता है। हो सकता है कि इंग्लिश ना लिख करके हिंदी लिखते, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको फिर से एक बार डिस्कस किया। तो कुंज वन जो है वो कहाँ वितरित होते हैं, तो उत्तरी अमेरिका कैलिफोर्निया में। मैंने आपको बताया था कैलिफोर्निया में, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कौन सा धरातलीय जीवों वनस्पति विकास व जीव समुदाय के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उन्नत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्ण सदाबहार कटिबंधीय, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है कि किस जीवों की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शंकुधारी वन। ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, संक्रमित जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, इकोटोन कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है, कहाँ की विशेषता। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय आद्र वन की, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज स्थित है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है। ये जो पड़ता है नई दिल्ली में, ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे, नई दिल्ली में, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। ठीक है, 1976 में। यहाँ पे देखिए आप जोधपुर देख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जोधपुर में क्या है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको कजरी कहते हैं, CAZRI। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों का रोपण करते हैं, पौधों का रोपण करते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऐसे समुदाय जनजाति है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोंड और कोरकू। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गोंड और कोरकू। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत जो क्षेत्र होना चाहिए कितने प्रतिशत होना चाहिए, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जो वनों का क्षेत्रफल होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, कह सकते हैं 33.3%। एक्चुअली ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट बनता है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के झांसी में, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, झांसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है किसके द्वारा, पृथ्वी पर जो अधिकांश ऑक्सीजन है वो किसके द्वारा उत्पादित होती है, शैवालों के द्वारा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, शैवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कुल, ठीक है, निम्नलिखित देशों में से कुल किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। ध्यान दीजिएगा कि 70% भाग पर वन बनाए रखने का एक संवैधानिक प्रावधान है किस देश में, और वो देश है भूटान, ऑप्शन बी, हमारा पड़ोसी देश भूटान ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय समुद्री पार्क अवस्थित है, बताइए कि राष्ट्रीय समुद्री पार्क जो है वो कहाँ अवस्थित है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला पॉइंट है, टैगा वन विशेषता है, टैगा वन जो है वो विशेषता है किसकी, किस क्षेत्र की विशेषता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, समशीतोष्ण क्षेत्र की। देखिए टैगा वन को कोटधारी वन के नाम से भी जाना जाता है, और इस बायोम के वृक्षों का सर्वाधिक जो है वो आर्थिक महत्व होता है। ठीक है, और इसी प्रकार के वन जो होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि समशीतोष्ण क्षेत्र के टैगा वन जो है, इसमें दो प्रकार की मिट्टी की विकास होता है, और वो दो मिट्टी कौन सी है, तो स्पोटोसॉल और साथ साथ याद रखिएगा पॉडजाल। ठीक है, स्पोटोसॉल और पॉडजाल नामक मिट्टी का विकास होता है, और ये जो मिट्टी होती है वो कृषि की दृष्टि से बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या बन रहा है, सूची वन को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर चुनना है, यानी कि यहाँ पे घास के मैदान दिए गए और किस देश के साथ संबंध होगा वो आपके साथ मैच करना है, तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। देखिए लानोज जो है, लानोज दक्षिण अमेरिका में कह सकते हैं किसके साथ, कोलंबिया और वेंजुएला के साथ मैच होगा, यानी कि फर्स्ट का फोर के साथ मैच होना चाहिए। फर्स्ट का फोर के साथ कई सारे मिल रहे हैं, आगे देखते हैं। स्टेपीज की बात करें तो स्टेपीज जो होता है वो यूरोप और एशिया, यूरेशिया कह सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी का तीन के साथ मैच होगा, बी का तीन के साथ भी बहुत है मैच कर रहा है। प्रेरिज की बात करें तो प्रेरिज जो होता है वो उत्तरी अमेरिका के कह सकते हैं, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, यानी कि सी का फर्स्ट के साथ, तो सी का फर्स्ट के साथ अब हमारा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है। वेल्ड जो है वो अफ्रीका से संबंधित है, डी का टू, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से ये हमारा ऑप्शन सुटेबल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2020 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है, यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया गया प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका थीम क्या था ये आपको बताना, तो इसका थीम था वन और जैव विविधता। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, वन और जैव विविधता। अगला प्रश्न, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, सर्वाधिक क्षेत्र जो वनों के अंतर्गत पाया जाता है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग आपको बताना। तो अगर आपने हमारे उस वीडियो को देखा होगा, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में जो आपको बताया, तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस किया होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे सबसे टॉप पे मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड नंबर पे है छत्तीसगढ़, फोर्थ नंबर पे उड़ीसा। ठीक है, फर्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानवजनित जीवों का एक उदाहरण है, मानवजनित जीवों कह सकते हैं, मानवजनित वायोम कह सकते हैं, इसका उदाहरण कौन है, तो फसली भूमि जो है वो मानवजनित जीवों का उदाहरण है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि सूची वन को सूची दो के साथ सुमेलित करेंगे, तो सूची वन और सूची दो के साथ मैच करके बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, घास का मैदान स्थल है और यहाँ पर उसके साथ देश का नाम दिया गया, तो चलिए देख लेते हैं। पंपास की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका में बात करें, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के साथ मैच होगा, यानी कि ए का तीन के साथ, ए का तीन के साथ दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पुस्टैज के बारे में आपको बताया था, पुस्टैज जो है वो हंगरी से संबंधित है, बी का फोर के साथ, तो बी का फोर के साथ यानी ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वेल्ड तो हमने फिर से यहाँ पे देखा, और डाउन्स याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर चुनें, यानी आपको कालक्रम के अनुसार इसको बताना कि कौन कब हुआ था। चलिए देख लेते हैं, पहला पॉइंट्स में बात करें तो पहला पॉइंट्स में क्या दिया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया, 1972। जैव विविधता अधिनियम कब बना था, जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, 2002। टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट आपको पता है 1973। ठीक है, 1973। हाथी प्रोजेक्ट की बात करें तो हाथी प्रोजेक्ट 1992। ठीक है, अब इसको सजाते हैं कौन सबसे पहले हुआ था, 1972 सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा 73। ठीक है, 72 के बाद हम 73, यानी एक के बाद तीन, एक के बाद तीन, ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं।
ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष, तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है और वो कौन है। आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। अधिकतम पादप विविधता जो है वो पाई जाती है किस प्रकार के वनों में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनांचल है। बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन सी को। ये क्वेश्चन लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था, तो ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्यूज की तरफ बढ़ने से पहले छोटे से अपडेट्स के बारे में आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे हमारी टीम की तरफ से उत्थान बीपीएससी 60 डेज कोर्सेज कराया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कीजिए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक के थ्रू अगर आप हमारे कोर्सेज को परचेज करेंगे तो 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ पे जा करके चेक कर सकते हैं। क्यूज का क्वेश्चंस आपके लिए ये है और मुझे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस का राइट आंसर डेफिनेटली नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। पहला क्वेश्चंस ये पूछा रहा है कि पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास कहाँ पाई जाती है, किस देश में पाई जाती है बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये कि केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है बताएंगे। अगर हो सके तो इसका थीम भी मेंशन कर दीजिए, क्योंकि ऊपर में आपने थीम पढ़ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत यहाँ पे पूछा गया, प्रतिशत वाले राज्य कौन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फाइव, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए किस उपकरण यहाँ पे लिखा गया। एक्चुअली यहाँ पे उपग्रह होना चाहिए था, यानी कि किस सेटेलाइट का प्रयोग किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस सेटेलाइट का प्रयोग किया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर डेफिनेटली नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। वीडियो कैसी लगी नीचे जरूर मेंशन करेंगे, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। टेलीग्राम ग्रुप को ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखें तो ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।